नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राधा राज जी का चैनल डिलीट हो गया है। और कौन डिलीट कराए कौन नहीं कराए भगवान जाने, इसमें तो हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के भी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। जिसने भी ये काम किया है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हम सुने हैं, वीडियो देखे हैं, दो एक ठो हम सर्च किए हैं तो राधा जी का चैनल आया नहीं सर्चिंग में। हमको तो बहुत तकलीफ़ हो रही भगवान कसम। हम हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा देंगे, पर इतना तकलीफ़ हो रहा है कि जितना हम बयां नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, राधा राज उनका चैनल नहीं आया। अब इनका चैनल कौन डिलीट करवाया कौन नहीं डिलीट करवाया भगवान जाने क्या बात है कैसा है। पर इस वीडियो में इतना हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी का भला ना कर सको तो उसका बुरा भी मत करो। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, और किसी की रोजी रोटी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बस भगवान से यही दुआ करेंगे, सावन का महीना चल रहा है, महादेव जी से यही दुआ करेंगे भगवान भोलेनाथ से कि उनका चैनल वापिस आ जाए। और जो भी उनका चैनल डिलीट करवाने में जिनका भी हाथ हो उनके ऊपर विपत का पहाड़ गिरे, क्योंकि जब तक उनके ऊपर विपत का पहाड़ नहीं गिरेगा तब तक उनकी आदतें नहीं छूटेंगी ऐसा करने से। किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना नाइंसाफ। हम मानते हैं हालांकि झगड़ा हुई होगी, बात विवाद हुआ होगा, वो हमसे हुआ है, हमारे चैनल से नहीं हुआ है। ठीक, इंसान से होता है, इंसान की रोजी रोटी से नहीं होता है। किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी तक हमको पता नहीं था, जब हमको पता चला तो हम भी वीडियो बनाए हैं। और चंदा भाभी बोल रही कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाया राधा राज के लिए तो आपके लिए कौन बनाएगा। तो चंदा भाभी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था। जब मैंने देखा अभी अभी तो आप वीडियो बना रही हूँ। और रही बात दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी डिलीट करवाई हैं, तो ऐसा आप लोग ना कहें, क्योंकि बिना कोई साबूत के बिना कोई प्रूफ के किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक, ऐसा भी आप लोग किसी को नहीं कह सकते हैं कि गोरखपुरिया भौजी डिलीट करवाई हैं, उनको क्या मतलब है, क्या पढ़ी है किसी को। पर मैं इतना जानती हूँ, जब तक कोई गोरखपुरिया भौजी को छेड़ता नहीं है तब तक गोरखपुरिया भौजी उसको नहीं छेड़ती हैं, इतना मैं जानती हूँ। और रही बात शेरनी की, तो गोरखपुरिया भौजी शेरनी हैं और शेरनी थी और शेरनी रहेंगी। ठीक, अभी बिचारी के ऊपर खुद ही इतना झगड़ा बवाल चल रहा है। हम तो यही कहेंगे गोरखपुरिया भौजी जी से और महादेव जी से कि आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। आप लोग प्यार से रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ये झगड़े होते हैं आप लोग के बीच में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए, और अगर आप ही लोग झगड़ा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा। तो दोस्तों ठीक है, ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और ब्लॉग करते हैं एंड, और देखते हैं राधा राज जी का चैनल कब यूट्यूब पर आता है।